हाय डियर फ्रेंड, आरआरबी जेई 2019 में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस का बायोलॉजी का पांचवा वीडियो, फिफ्थ वीडियोज। ठीक है, तो फिफ्थ वीडियो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, हे फीवर इज एन एलर्जिक रिएक्शन टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द एयर। तो कौन कौन से है ऑप्शन देखिए, डस्ट, स्मोक, पोलेन, मॉइस्चर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पोलेन। ठीक है, पोलिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म में अपसेट व्हेन डॉट इज यूज एज ए पेस्टिसाइड। तो ऑप्शन अर्थवर्म, स्नेक, फिश एंड फ्रॉग। तो करेक्ट ऑप्शन है फिश। ठीक है, बिहेवियरल पैटर्न ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म में अपसेट व्हेन डॉट इज यूज एज ए पेस्टिसाइड। तो है किसके लिए, फिश। ठीक है, फिश पैटर्न। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डेट कॉजेज द मैड काउ डिसीजेज। ठीक है, किसके कारण होता है, जैकॉब क्रियोज फैल डिसीजेज जिसको बोला जाता है। तो उसका जो करेक्ट, पहले ऑप्शन देख लेते, बैक्टीरिया में वायरस है, विरोइड है, प्रियोन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रियोन। ठीक है, थर्ड का करेक्ट ऑप्शन है प्रियोन, ये ध्यान रखने का, मैड काउ डिसीजेज प्रियोन। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ विटामिन के, विटामिन के का और कोई दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन देखिए, निकोटीन एसिड दिया है, राइबोफ्लाविन दिया है, थायमिन दिया है, 2-methyl-1-4-नेप्थोक्विन। ठीक है, क्विन वन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, 2-methyl-1-4-नेप्थोक्विन-1। ठीक है, याद रखना, विटामिन के का ये सेकंड नेम है, अनदर नेम है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, वासोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वासोप्रेसिन। करेक्ट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वासोप्रेसिन, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ऐसा है ये हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हार्मोन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर इन्वेस्टेड बाई मेम्ब्रेन्स कॉल्ड। जो इन्वेस्टेड बाई मेम्ब्रेन्स को क्या बोला जाता है, तो आर्कनॉइड्स, पहला ऑप्शन आर्कनॉइड्स, सेकंड ऑप्शन प्लूरल मेम्ब्रेन, सी है मैनिंग्स एंड नॉन ऑफ दीज। तो 6 का करेक्ट ऑप्शन है क्या, सी, मैनिंग्स। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ ए रोल इन कन्वर्टिंग नाइट्रेट्स टू फ्री नाइट्रोजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ ए रोल इन कन्वर्टिंग नाइट्रेट्स टू फ्री नाइट्रोजन। तो ये ऑप्शन देखिए, स्यूडोमोनस, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोबैक्टर्स एंड रिजोबियम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, रिजोबियम। ठीक है, रिजोबियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग द रेफरेंस टू ह्यूमन न्यूट्रिशन। कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू ह्यूमन न्यूट्रिशन, विटामिन ए, विटामिन बी टू, विटामिन ई। फॉर विच ऑफ दीज आर ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स रिच रिसोर्स, इनमें से कौन है। यहाँ पे देखिए, ह्यूमन न्यूट्रिशन के नाम दिए गए, विटामिन ए, बी टू, वी, लेकिन इनमें से पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रिच रिसोर्स सोर्सेज। तो 1 और 2 है, 2 ओनली है, 1 और 3 है, 1, 2, 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, 1 और 2 तीनों है। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी टू, विटामिन ई, तीनों है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, सिलेक्ट करेक्ट मैच द बायोलॉजिकल थियरी फॉर लॉ एंड साइंटिस्ट। ठीक है, देखिए पहले उनका लॉ है, फिर बाद में उनका साइंटिस्ट का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट जो है उसको, ठीक है, बाकी सभी रॉन्ग होंगे ऑब्वियसली। तो पहला दिया है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लैमार्क है, थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन डार्विन, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मेंडल एंड जर्म प्लांट थियरी वेइसमैन। तो करेक्ट ऑप्शन 9 का है वो डी है, जर्म प्लाज्म थियरी वो है वीजमैन।
ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपने बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हैं और उनकी जो थियोरी है या लॉज हैं वो सारे आपने लिख लेने हैं, कि ताकि उससे रिलेटेड आपको आइडिया मिले कि कौन सी थियोरी किस साइंटिस्ट ने दी है, ताकि उससे रिलेटेड अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको सिलेक्ट कर पाएँ, करेक्ट तरीके से सिलेक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये चीज़ भी ज़रूर रखूँगा कि ताकि आपके आपको ये एक साथ मिल जाए, फिजिक्स के हुए चाहे केमिस्ट्री के हुए चाहे बायोलॉजी के, कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिनका किस फील्ड में कितना मतलब कंट्रीब्यूशन है, वो ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स इसमें से कौन है? गुआवा है, पाइनएप्पल, ऑरेंज, टोमेटो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑरेंज, ठीक है। सी ऑरेंज इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो ऑरेंज, ठीक है। तो इस तरीके से ये बायोलॉजी का पार्ट 5 कंप्लीट हुआ। तो आप इस तरीके से देखते रहिए ताकि आपका बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप तक मिलता जाए। तो रेगुलर बेसिस पे आप देखते रहिए, ठीक है। और इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है, तो आप डायरेक्ट चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बायोलॉजी का एक साथ सारे वीडियो मिल जाएंगे। एक साथ बैठिए, जितने भी इसके वीडियो बन रहे हैं, ठीक है, 20 या 15 जितने भी हैं, तो ये सब रेगुलर बेसिस पे आप मुश्किल से हाफ एन आवर में आप पूरे के पूरे वीडियो एक साथ देख सकते हैं और आपको ये नॉलेज मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।